हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल। क्या हाल है आप लोगों का? आज बात करेंगे कि जो इंडिया में 10th और 12th पास कर चुके हैं वो बेसिकली ऑस्ट्रेलिया में कौन सा जॉब कर सकते हैं, उनके लिए यहाँ पर कौन सा जॉब है जो काफी बढ़िया है। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है। आपको मतलब अगर आप 10th और 12th के बाद ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, वहाँ पे जॉब करना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं, पढ़ाई के साथ साथ जॉब करना चाहते हैं, तो आपके लिए वीडियो है। आपको मैं बताऊंगा 10th और 12th पास पे कौन से वहाँ पे जॉब है जो आपको इजीली मिल जाते हैं। तो बेसिकली हमने उस जॉब्स को एक जगह पे लिख लिया है, तो मैं आपको बताता हूँ पहले वो जॉब्स कौन कौन से हैं। पहले नंबर पे आता है, जब आप इंडिया से ऑस्ट्रेलिया जाओ तो आप बेसिकली कंप्यूटर नॉलेज थोड़ा सा होना चाहिए आपको पास। जैसे कि बेसिक कंप्यूटर कोर्स होता है जो 3 महीने का कोर्स होता है, वो आप 3 महीने कोर्स कर लोगे तो आपको इजिली वहाँ पे कहीं ना कहीं किसी भी शॉप में कंप्यूटर्स पे जॉब मिल जाएंगे। जैसे इजिली होता है एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट। वहाँ पे डिग्री तो नहीं मानते, पर इन सबों का आपका नॉलेज होना चाहिए, तो इससे आपको अच्छी जॉब मिल जाएंगे। वहाँ पे काफी अच्छा पे रेट होता है उसका, लगभग पे रेट लगभग 15 से 16 डॉलर होता है। अगर आप एक दिन में अगर 10 घंटे भी वर्क करते हो तो आप कम से कम 6 से 7 हज़ार रुपये पर डे कमा लोगे। अगर आप बस ये कोर्स, चाहे 10th के बाद ही होता है ये कोर्स, 12th के बाद भी होता है, पर 10th के बाद भी ये होता है। अगर आप 10th के बाद आना चाहते हो तो अभी आप ये कर सकते हो, आपके लिए काफी बढ़िया, इधर आप इजीली जॉब कर सकते हो। बेसिकली सेकेंड नंबर पे आता है ड्राइविंग। अगर आप इंडिया से ऑस्ट्रेलिया आओ तो आप ड्राइविंग जरूर सीख लो, क्योंकि ड्राइविंग जो है वो काफी यहाँ पे जरूरी है। अगर आप ड्राइविंग सीख लोगे तो आपको कहीं ना कहीं, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि आपको यहाँ पे जरूर जॉब मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे कई सारी ट्रांसपोर्ट कंपनीज हैं, रिच लोग हैं, अमीर लोग हैं, तो उनके जो ड्राइवर्स होते हैं उनको काफी अच्छी पे रेट मिलती है और काफी जॉब्स होते हैं वहाँ पे। बेसिकली अगर आप ड्राइविंग सीख लोगे तो आपको काफी अच्छी जॉब सैलरी मिलेगी वहाँ पे। ड्राइविंग का जो मिनिमम सैलरी होता है 20 से 25 डॉलर होता है। अगर आप एक दिन में 8 घंटे भी वर्क करते हो, अगर 10 घंटे भी वर्क करते हो, फिर भी आप महीने के 2.5 से 3 लाख रुपए कमा सकते हो ऑस्ट्रेलिया में। तो बेसिकली ये काफी अच्छी बात है कि अगर आप ड्राइविंग सीख उतना कमा ले तो आपको सीखना चाहिए और आप ऑस्ट्रेलिया जाके ये 10th और 12th के बाद ये वर्क कर सकते हो। तीसरे नंबर पे आता है आपका सेल्समैन। बेसिकली सेल्समैन जो होते हैं उनका जॉब 10th और 12th पास वालों को यहाँ पे इजिली मिल जाता है, सेल्समैन का जॉब, जो कि काफी अच्छा है। जैसे शॉप ओप में होते हैं जो सामान को सेल करते हैं, उनका जॉब आपको इजिली मिल जाएगा यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में। तो ये सारे जॉब्स हैं। इनका सेल्समैन का जो मिनिमम पे रेट होता है वो होता है लगभग 15 से 20 डॉलर, 15 से 20 डॉलर के आस इतने हैं। इसी के बीच में सारे जो मतलब होते हैं दुकानदार, जहाँ वहाँ के जो सेल करने वाले होते हैं वो इतना पाते हैं। तो बेसिकली ये हुआ सेल्समैन के बारे में। अब चौथे नंबर पे आता है कि किसी कंपनी में हेल्पर वेल्पर का अगर जॉब करना चाहो, यार जैसे पैकर होते हैं जो सामान को पैकिंग करते हैं, उनकी जॉब आप इजिली पा सकते हो वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, 10th अगर 12th पास हो अगर आप, तो ये काफी अच्छी बात है। फिर आता है आपका लेबर जॉब, कंस्ट्रक्शन जॉब। कंस्ट्रक्शन जॉब का जो इंडिया से मतलब बहुत ज्यादा सैलरी मिलता है ऑस्ट्रेलिया में, जितना ही आप हार्ड वर्क करोगे आपको बहुत ज्यादा। आपको मैं बता दूं कंस्ट्रक्शन वर्किंग का जो सैलरी होता है लगभग, जो मतलब पर आवर मिलता है, वो 30 से 35 डॉलर मिलता है। लगभग आप एक दिन में अगर 10 घंटे वर्क करते हो कंस्ट्रक्शन में या किसी लेबर में, तो आप एक दिन के 300 डॉलर कमा सकते हो ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो इस हिसाब से लगभग 15 हज़ार रुपये आप रोज के कमा सकते हो। तो आप सोचो इंडिया में कितना ज्यादा होगा अगर आप कंस्ट्रक्शन के काम कर लेते हो। 11th और 12th पास करके आप कंस्ट्रक्शन का वर्क कर सकते हो। उधर आपको ऑस्ट्रेलिया में कंस्ट्रक्शन वर्क काफी इजी तरीके से मिल जाता है, काहे कि कई सारी वो मतलब डेवलप कंट्री हैं, तो उधर आपको कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर या बिल्डिंग्स बनती रहती हैं, इसमें कंस्ट्रक्शन वर्क का जो लेबर की जरूरत पड़ती है, तो आप उधर आपको इजली ये जॉब जो मिल जाएंगे। तो ये जो जॉब्स थे वो थे कि मतलब आप 10th अगर 12th पास हो तो आप ये सब जॉब कर सकते हो ऑस्ट्रेलिया में। काफी इजी जॉब है, काफी अधिक पे रेट भी मिलता है इसका। और अगर आप कोर्सेज करना चाहते हो तो मैं यूनिवर्सिटीज में आप कौन कौन से कोर्स करके ऑस्ट्रेलिया में आना चाहते हो तो उस पर मैं अगली वीडियो लाऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज यार हमें भी सपोर्ट करो, यार हमें भी सब्सक्राइब करो, हमें भी हमारी ही वीडियो देखो सब। हमको लगता है मेरी वीडियो कोई नहीं देखता है, बहुत कम लोग देखते हैं, तो आप भी यार प्लीज देखो। अभी मैं नया हूँ, धीरे धीरे और भी वीडियोज लाऊंगा, तो तब तक के लिए यार थैंक्स, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में आपसे।